हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने चार टेक्निक्स पढ़ ली थी। ठीक है, मैंने कहा था कि आज वाली क्लास में हम उन टेक्निक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जिनमें से एक और आपका सेपरेशन मेथड है, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, हिंदी में भी क्रोमेटोग्राफी ही कहते हैं, हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे, क्रोमेटोग्राफी। और आपके एनसीईआरटी में इस टॉपिक का नाम, मतलब कुछ इस क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है कि इज द डाई इन द ब्लैक इंक अ सिंगल कलर, कि क्या आपके पास अगर एक ब्लैक कलर की इंक है या डाई है, जो भी है, क्या वो एक सिंगल कलर से बना है या वो और मल्टीपल कलर से मिलके बना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कलर आपके, आप जो आपने पेंटिंग करी होगी जब बचपन में, आप इस क्या नाम है ड्राइंग करते थे, तो उसमें आपने कलर्स के बारे में पढ़ा होगा, प्राइमरी कलर्स के बारे में। ठीक है, प्राइमरी कलर्स पढ़े थे आपने, और उसके बाद आपने पढ़ा था कि उसके प्राइमरी कलर्स को छोड़ के बाकी जितने भी कलर्स होते हैं वो सब दो या दो से ज्यादा कलर के मिक्स होने से बनते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहां पे पूछ रहा है कि ब्लैक जो है, क्या ब्लैक इंक जो होता है वो सिंगल कलर से बना है या बहुत सारे कलर से मिलके। ठीक है, पर एक्चुअल में हम इसमें चेक क्या करते हैं, जो क्रोमेटोग्राफी होता है इसमें हम करते क्या है, इसमें हम सेपरेट करते हैं, सेपरेट द सॉल्यूट, सेपरेट टू और मोर सॉल्यूट्स, ऐसे लिख लेना, टू और मोर, टू और मोर सॉल्यूट्स डिजॉल्व्ड इन द सेम सॉल्वेंट। ठीक है, सेम सॉल्वेंट, एक ही विलायक में घुले दो या दो से ज्यादा, एक ही विलायक में घुले दो या दो से ज्यादा विलेय को अलग करने में, को अलग करने में। ठीक है, इस क्रोमेटोग्राफी मेथड का इस्तेमाल कहां होता है? इस क्रोमेटोग्राफी मेथड का इस्तेमाल होता है टू सेपरेट टू और मोर सॉल्यूट्स डिजोल्व इन द सेम सॉल्वेंट, एक ही सॉल्वेंट में घुले दो या दो से ज्यादा सॉल्यूट को अलग करने में। ठीक है, और ये जो हम अलग करते हैं, ये किस बेसिस पे हम अलग करते हैं, ये हम इनको अलग करते हैं, वी सेपरेट इट, वी सेपरेट दी सॉल्यूट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, उनकी घुलनशीलता के आधार पर अलग किया जाता है। किस बेसिस पे अलग किया जाता है? इनकी घुलनशीलता के आधार पे। ठीक है, हम इन विलेयों को उनकी घुलनशीलता के आधार पर अलग करते हैं, मतलब कि सॉल्वेंट में वो कितने ज्यादा डिजॉल्व होते हैं, जो ज्यादा डिजॉल्व होते हैं वो ज्यादा अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, मतलब अभी हम सीखेंगे किस तरीके से अलग होते हैं, तो उसको मैं अभी समझाता हूं। फिलहाल आप बस इतने ये पॉइंट्स लिख लो, ये कुछ पॉइंट्स हैं इनके बारे में, जो आप अपने कॉपी में नोट कर लो, क्रोमेटोग्राफी के बारे में, कि क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। पहली बात तो, अगर ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम आ जाए कि इज द डाई इन द ब्लैक कलर अ सिंगल कलर, और इसके आगे लिख जाए कि हाउ कैन वी सेपरेट,
हाउ कैन वी सेपरेट दोज कलर्स? पहली बात तो आप इसका आंसर देंगे कि नो, कि ब्लैक इंक क्या सिंगल कलर है, तो नो, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ कैन वी सेपरेट दोज कलर्स, ठीक है, कि हम उन कलर्स को कैसे अलग कर सकते हैं, तो उसका आंसर आएगा आपका बाय क्रोमेटोग्राफी मेथड, बाय क्रोमेटोग्राफी मेथड, कि हम उनको कैसे अलग कर सकते हैं, उन्हें हम क्रोमेटोग्राफी मेथड से अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी मेथड, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्रोमेटोग्राफी इज अ मेथड इन विच वी कैन सेपरेट टू और मोर सॉल्यूट्स डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। जो मैं बोल रहा हूं आप लिखते जाएं साथ में, साथ के साथ, ठीक है ना। तो इसके साथ आपके नोट्स भी बन जाएंगे, बाकी जो आपके नोट्स हैं वो आप वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे, ठीक है। आपको पता ही है कहां से डाउनलोड करना है, ठीक है, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके नोट्स आपको पूरे मिल जाएंगे चैप्टर के, ठीक है ना। बाकी अगर आपको लिखना है तो मैंने बताया कैसे लिखें, क्रोमेटोग्राफी इज अ मेथड इन विच वी सेपरेट टू और मोर सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। कि क्रोमेटोग्राफी वह विधि है जिसमें एक ही विलायक में घुले दो या दो से ज्यादा विलय को अलग किया जाता है, ठीक है, और किस आधार पर किया जाता है। इसके आगे ये भी लिख लेना, वी सेपरेट दीज सॉल्यूट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, ठीक है, कि सॉल्वेंट के अंदर कितना ज्यादा सॉल्युबल है उस बेसिस पे इनको अलग अलग किया जाता है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर मैं बताता हूं क्रोमेटोग्राफी के बारे में आप लोगों को। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है ना। तो बच्चों अब हमें जो समझना है क्रोमेटोग्राफी के बारे में, तो क्रोमेटोग्राफी बहुत तरीके की होती है, पर जिसमें से हमें जो समझना है, जो हमारी बुक में है, वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और वैसे भी वही जो ब्लैक इंक के हम कलर को सेपरेट कर सकते हैं वो इसी मेथड से कर सकते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी से, ठीक है। और ये कैसे होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी वो आप देखेंगे। इसके लिए आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, वो मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे आप इसको करते हैं। सबसे पहले आपको ना एक क्रोमेटोग्राफी पेपर लेना है। ये क्रोमेटोग्राफी पेपर एक तरह से एक आप कह सकते हो कि जो फिल्टर पेपर आपके स्कूल में, आपके एक्सपेरिमेंट लैब में, जो साइंस लैब में आपके आपका आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, फिल्टर पेपर। उसको ऐसे स्ट्रिप काट लेनी है, एक ऐसे स्ट्रिप काट लेनी है, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे से 1 सेंटीमीटर को से आपको स्केल से नापना है, 1 सेंटीमीटर ऊपर, और एक लाइन खींचनी है 1 सेंटीमीटर के ऊपर, एक आपको लाइन खींचनी है, ठीक है। फिर यहां पे ब्लैक इंक बोला है, तो आपको क्या करना है, इस लाइन के ऊपर ब्लैक इंक से एक डॉट बनाना है, ब्लैक इंक से आपको एक डॉट बनाना है। मैं यहां पे दूसरा कलर ले रहा हूं क्योंकि मैंने ये पहले ही ऑलरेडी ब्लैक से बनाया हुआ है, तो मैं यहां पे इस रेड से बना रहा हूं, पर आपको ब्लैक से बनाना है। ये मैं समझाने के लिए रेड से बना रहा हूं, आपको वहां पे ब्लैक इंक के लिए बोला है तो आप ब्लैक इंक से बनाएंगे, क्योंकि मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा था ब्लैक से तो पता नहीं चलता, इसलिए मैंने डिफरेंट कलर यूज किया यहां पे रेड, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, आपने एक क्रोमेटोग्राफी पेपर या फिल्टर पेपर आपने लिया, उसकी स्ट्रिप 1 सेंटीमीटर की मतलब लेंथ पे आपने क्या किया, एक लाइन खींची, ड्रॉ की, और वहां पे आपने ब्लैक इंक से एक डॉट बनाया, ठीक है। अब इसको आप एक पानी के जार में रख देंगे, एक जार है ये, ठीक है। और कैसे रखेंगे ये आपको ना, मतलब यहां पे टिकाना है ऐसे करके, यहां पे कुछ भी आप ऐसे एक पेंसिल में, जैसे एक पेंसिल में छेद कर लिया, या आपने कोई भी एक स्टिक ले ली उसमें छेद करके इसमें से पार करके आपने इसको टिका दिया इसके ऊपर, और हिलाना डुलाना नहीं है, इसको एक ऐसे करके रख देना है इसके ऊपर, ठीक है ना, टिका के रख देना है, हिलाना डुलाना नहीं है इसको। और इसमें पानी ना, पानी इतना ही होना चाहिए कि इसको सिर्फ टच करता हो, पानी इतना ही होना चाहिए कि इसको नीचे से टच करता हो, पानी भरना नहीं है, इतना ही पानी होना चाहिए इसमें जो इस स्ट्रिप को नीचे से थोड़ा सा टच करता हो, ठीक है, थोड़ा सा नीचे से टच करता हो बस। अब क्या होगा कि जब आप इसमें ये वाटर डालेंगे और वाटर ये इसको टच करेगा नीचे से, तो वाटर जो है ऊपर चढ़ेगा, पानी इसमें सोखने लगेगा धीरे धीरे, पानी सोखने के बाद ये धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ेगा।
और जब पानी इस डॉट के कांटेक्ट में आएगा, जब वो इस ब्लैक इंक के डॉट से मिलेगा, तो ये डॉट का कलर भी जो है ना, वो उस वाटर के साथ ऊपर चढ़ने लगेगा। और आप देखेंगे, बाद में आप देखेंगे कि जैसे आपका ये स्ट्रिप था और आपका ये डॉट था, आप देखेंगे ये डॉट का कलर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगेगा। ये डॉट का कलर धीरे धीरे वाटर के साथ साथ ऊपर चढ़ने लगेगा, ठीक है। वाटर के साथ साथ इस ड्रॉप का कलर भी कहाँ चढ़ने लगेगा, ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ आप जब इसको चढ़ते हुए देखेंगे ना, तो धीरे धीरे इसके सारे कलर सेपरेट हो जाएंगे। आप देखेंगे कुछ दूरी तक, मान लेते हैं यहां तक कुछ एक कलर आ रहा है, फिर उसके बाद अगला कलर स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप देखेंगे उसके बाद कुछ अगला कलर स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी दो या तीन कलर, जितने का भी मिक्सचर है, वो आपको अलग अलग हाइट पे कलर का अलग अलग स्पॉट दिख जाएगा, कि यहां से यहां तक आपको अलग कलर दिखेगा, थोड़ी दूर बाद दूसरा कलर, थोड़ी दूर बाद तीसरा कलर। ये आपको कलर दिखाई कैसे दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको लिखवाया था, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब यहां पे हमारे इस इंक के अंदर एक ही सॉल्वेंट है, पर उसके जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, सबकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग है। या हम कह सकते हैं ये जो वाटर था हमारा, इस वाटर में सबकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है। किसी एक कलर की सॉल्युबिलिटी अलग है, दूसरे कलर की सॉल्युबिलिटी अलग है, तीसरे कलर की सॉल्युबिलिटी अलग है। तो जिसकी ज्यादा सॉल्युबिलिटी है, वो ज्यादा ऊपर तक गया और लास्ट में हमें दिखाई दिया, और जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है, वो जल्दी यहीं पे खत्म हो गया, और जिसकी थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी दूर और गया। सबसे ज्यादा जिसकी सॉल्युबिलिटी है, थोड़ी दूर और गया। तो आपको ये अलग अलग दिखाई देगा। ये जो लास्ट में आप पेपर देखते हैं ना, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राम। तो इस क्रोमेटोग्राम को ऑब्जर्व करने में पता चलता है कि इस ब्लैक इंक के अंदर टू या थ्री डिफरेंट कलर्स होते हैं, जो कि आप इस एक्सपेरिमेंट के उससे देख सकते हो। तो क्रोमेटोग्राफी में करना क्या है, आपको एक फिल्टर पेपर या क्रोमेटोग्राफी पेपर लेना है, उसमें एक एक सेंटीमीटर की हाइट पे ब्लैक इंक से एक स्पॉट बनाना है, ठीक है, डॉट बनाना है, और उसको वाटर में डालना है, और इतना ही डालना है कि नीचे से बस टच होता हो वाटर से, वाटर अपने आप उसमें राइज करेगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ठीक है। और वो जब इसके कांटेक्ट में आएगा, तो इसको लेके ऊपर चढ़ेगा, और इसके बाद इसमें जितने भी कलर डिजोल्व हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी अलग होने की वजह से अलग अलग हाइट पे वो दिखाई देंगे आपको, ठीक है। और इससे आप इनको सेपरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम क्रोमेटोग्राफी को करते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए। अब मैं समझाता हूँ आपको क्रोमेटोग्राफी के और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, यानी कि हम इसके एप्लीकेशन के बारे में समझते हैं। तो ये लिखे आपके सामने एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो जो क्रोमेटोग्राफी मेथड होता है, इसका इस्तेमाल हम सिर्फ सेपरेशन के लिए करते हैं, चीजों को सेपरेट करने के लिए, हिंदी में कहें तो पृथक करने के लिए, पृथक करने के लिए, ठीक है ना। पृथक मतलब अलग अलग करने के लिए, ठीक है। तो किन चीजों को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला, कलर्स इन अ डाई। जैसे अभी हमने ब्लैक कलर के डाई के जो ब्लैक डाई थी हमारे पास, उसके कलर्स को अलग अलग किए थे, उसी तरीके से आप किसी भी कलर के इंक को लेंगे और उसके जितने भी कंपोनेंट कलर्स हैं, उनको आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबको आप क्रोमेटोग्राफी से अलग कर सकते हैं। दूसरा, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, नेचुरल कलर्स से उनके पिगमेंट्स को अलग कर सकते हैं। और तीसरा, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड के अंदर ड्रग्स, यानी कि जो भी दवाई, ड्रग्स हमेशा ये नहीं कि नशीले पदार्थ ही ड्रग्स हैं, और भी जो दवाइयां होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनको भी हम ड्रग्स बोलते हैं। तो आपके ब्लड में से ड्रग्स, यानी कि मेडिसिन या कुछ भी ऐसा है, उसको अलग करने के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा, इसी के साथ क्रोमेटोग्राफी हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक को सीखते हैं। तो बच्चों, अब जो हमें नेक्स्ट सेपरेशन मेथड करना है, वो है डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्या है? डिस्टिलेशन प्रोसेस। आपके बुक में जो इसे लिखा हुआ है, वो भी एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हुआ है, और लिखा है उसमें, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स, कि हम दो मिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को कैसे अलग कर सकते हैं, यानी कि
दो घुलनशील द्रवों के मिक्सचर को मतलब मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है? तो उसका आंसर आप देंगे बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो आप लिखेंगे, अगर आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस की डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिखेंगे डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है? तो कि डिस्टिलेशन प्रोसेस एक ऐसा सेपरेशन मेथड है जिससे हम दो या दो से ज्यादा लिक्विड को अलग कर सकते हैं जो आपस में मिसिबल होते हैं, यानी कि घुलनशील होते हैं, जो एक दूसरे में घुल सकते हैं। बस इसमें एक कंडीशन लग जाती है, और वो कंडीशन ये है कि जो भी लिक्विड इसमें आपस में मिक्स होते हैं ना, उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन यानी 25 केल्विन से ज्यादा का होना चाहिए। कितने ज्यादा होना चाहिए? 25 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। वैसे आपको जो नोट्स आप डाउनलोड करेंगे हमारी वेबसाइट से, तो उसमें आपको सबके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है? सारे नोट्स में लिखा ही होगा, फिर भी मैं एक बार लिखवा रहा हूं, आप एक बार देख लें। क्या लिखेंगे आप? कि डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है? कि डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स, बट द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स इज 25 केल्विन, ठीक है ना? कि हम उन लिक्विड को अलग कर सकते हैं बट उनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होना चाहिए वो शुड बी मोर देन 25 डिग्री, 25 केल्विन, वो 25 केल्विन से ज्यादा का होना चाहिए, ठीक है ना? कि उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है कितने से ज्यादा होना चाहिए? 25 केल्विन से ज्यादा, ठीक है? हिंदी में भी लिखेंगे कि आसवन विधि वह विधि है जिसके द्वारा दो या दो से ज्यादा घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग किया जा सकता है जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से ज्यादा है, ठीक है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे, खुद नोट करेंगे इसको, मैं बोलते जा रहा हूं कि क्या लिखना है। आसवन विधि वह विधि है जिसके द्वारा हम दो या दो से ज्यादा घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग कर सकते हैं जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से ज्यादा है, ठीक है? ये लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है? तो हम ऐसे दो लिक्विड जो आपस में घुल सकते हैं, ऐसे कौन से दो लिक्विड है आपस में घुल सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारे लिक्विड हैं। आप रोज देखते हो ये चीजें कि दो लिक्विड को आपस में घुलते देखना, जैसे दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर आपस में घुल सकते हैं, ठीक है? एल्कोहल एंड वाटर वो भी घुल सकते हैं, ठीक है? पेट्रोल एंड कैरोसिन वो भी घुल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लिक्विड हैं जो आपस में एक दूसरे में घुल सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे लिक्विड होते हैं जो आपस में एक दूसरे के अंदर मिसिबल होते हैं, लिक्विड घुल सकते हैं। तो उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं? तो उनको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा अलग कर सकते हैं। अब क्या होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस, एक बार समझ लेंगे, देखेंगे। ये हमारे पास, ये हमने पूरा सेटअप लगा रखा है, ये बर्नर है जिसमें ये फ्लेम लग रही है, ये हमारे पास इसके अंदर मिक्सचर है हमारा, ठीक है? जो भी दो लिक्विड है मान लेते हैं, कौन कौन से लिक्विड है? एक है अल्कोहल और एक है वाटर। मान लेते हैं मिक्सचर ऑफ अल्कोहल
एंड वाटर इसके अंदर है, ठीक है, ये इसके अंदर मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर है, आपको इसे अलग करना है। अच्छा, ये आपका ना थर्मामीटर है, मैंने इसको ऐसे अलग कलर से बना दिया है क्योंकि हमें पता चल जाए, क्योंकि मैं अभी ब्लैक से बनाता ना तो ये पता नहीं चलता कि क्या है, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा अलग कलर इसमें भर दिया है। बाकी आप जब बनाएंगे तो आप साफ सुथरा बना लेना और ऐसा बना लेना ताकि वो दिखाई दे कि थर्मामीटर ही है, ठीक है। यहाँ पे बनाने में थोड़ी दिक्कत थी इसलिए मैंने बस ऐसे कलर कर दिया, पर मैंने आपको बता दिया कि ये क्या चीज है थर्मामीटर, ठीक है। आप जब बनाएंगे खुद से अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में तो आपको साफ सुथरा बनाना है, ठीक है। ये आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर है, कॉर्क से आपने इसको ऊपर बंद कर रखा है और बगल में से आपने एक पैसेज दे रखी है, पैसेज में ये आपका कोल्ड वाटर आउटलेट है, ठीक है ना, कोल्ड वाटर आउटलेट, और ये बीकर में यहां पे इकट्ठा हो रहा है। देखेंगे होता क्या है इसके अंदर। तो आपके पास मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर है, आप चाहते हैं कि इसमें से एल्कोहल अलग हो जाए वाटर अलग हो जाए, तो आप क्या करेंगे, पहली बात तो होना क्या चाहिए कि इन दोनों कंडीशन क्या है कि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है ना वो 25 केल्विन से ज्यादा का होना चाहिए, ठीक है। कि अगर मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए वो 100 से अगर कम ले रहे हो तो यानी कि वो 75 से कम होना चाहिए, क्योंकि कम से कम इनके बीच में 25 का गैप होना चाहिए, और अगर इसकी इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो 125 से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि मतलब ले दे के कहने की बात मतलब ये है कि इनके बीच में 25 केल्विन या उससे ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। मैं मान लेता हूं कि ये 60 डिग्री पे ये बॉयल हो जाता है, 60 डिग्री सेल्सियस पे मान लेता हूं, एक्चुअल नहीं है मैं मान रहा हूं, ठीक है याद रखना। तो 60 डिग्री पे इसको मान लेते हैं और ये 100 डिग्री पे, इनके बीच का डिफरेंस 100 डिग्री 25 डिग्री से ज्यादा हो गया। अब होता क्या है डिस्टिलेशन प्रोसेस में, आप इसको गर्म करते हैं, इस मिक्सचर को आप इस मिक्सचर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी आप चीजों को बॉईल करते हैं तो बॉईल कर जब भी एक लिक्विड बॉईल हो जाता है उसके बाद उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ता, जब तक कि वो सारा का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर सेम रहता है। हमने पढ़ा था ना कि वाटर अगर 100 डिग्री पे बॉयल होता है तो 100 के बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, क्यों, क्योंकि उसके बाद जो आप हीट एनर्जी उसमें देते हैं वो सारी की सारी एनर्जी उसको लिक्विड से गैस में चेंज करने में लग जाती है, इस वजह से उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, वो जो एनर्जी लग रही होती है उसके स्टेट को चेंज करने में लगती है, जिसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जब आप इनको गर्म करेंगे आप देख सकते हैं कि एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो जैसे ही टेम्परेचर इस बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचेगा 60 पे तो एल्कोहल जो है वो बॉयल होने लग जाएगा, एल्कोहल जो है बॉयल होने लग जाएगा और बॉयल होके इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा और इवेपोरेट होके गैस बन जाएगा और ये ऊपर जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे टेम्परेचर नाप देख रहे लगातार, थर्मामीटर इसीलिए लगाया है ताकि हमें दिखता रहे। इसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि एल्कोहल का या जो भी आपने दो लिक्विड लिए हैं आपको दोनों के बॉइलिंग पॉइंट पता होने चाहिए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। मान लेते हैं कि एल्कोहल का 60 होता है तो आप देखेंगे 60 डिग्री पे, यहाँ पे जब 60 डिग्री आएगा तब ये गैस बनने लग जाएगी एल्कोहल की, एल्कोहल की गैस जो होगी वो ऊपर जाने लग जाएगी। देखो 100 में पहुंचेगा नहीं क्योंकि जब तक पूरा का पूरा अल्कोहल इसमें से इवेपोरेट नहीं होगा तब तक उसका टेम्परेचर 60 रहेगा, और वाटर का टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इससे ज्यादा है, इसलिए वाटर यहां से इवेपोरेट नहीं होगा, यहां से सिर्फ कौन इवेपोरेट हो रहा होगा, अल्कोहल, ठीक है। और अल्कोहल यहां से इवेपोरेट होगा, ऊपर से हमने बंद कर रखा है, बंद कर रखा है तो वो साइड में जाएगा, इस साइड में जाएगा, और ये जो वाटर आउटलेट कोल्ड वाटर आउटलेट ना बाहर बाहर से है, बाहर से होने की वजह से ये ठंडा पानी बाहर से आप इसमें रखोगे तो ये जो बीच का एरिया ठंडा हो जाएगा, बीच का एरिया कैसा हो जाएगा, ठंडा। अब ठंडा हो जाएगा तो जब ये ड्रॉप्स सॉरी ये स्टीम जा रही है एल्कोहल का, वेपर्स एल्कोहल जब गैस फॉर्म में आ चुका है और वेपर्स उसके जा रहे हैं, और जब आप उसको ठंडा कर दोगे तो वो वापस क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड बनने के बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप ये इसके अंदर गिरने लगेगा, और जब सारा का सारा एल्कोहल यहां से गिर के यहां पहुंच जाएगा उसके बाद इसका टेम्परेचर आगे बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। जब 60 पे जब यह इस पे पहुंच जाएगा तब तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा टेम्परेचर,
ठीक है, और जब तक सारा का सारा अल्कोहल इवेपोरेट हो रहा है तब तक इसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, और जैसे ही इसका टेम्परेचर आगे बढ़ना चालू होगा हम समझ जाएंगे कि सारा का सारा अल्कोहल वहां जा चुका है और हम इस सेटअप को हटा लेंगे। इस तरह से अल्कोहल सारा का सारा इधर और वाटर सारा का सारा इधर, और इस तरीके से हम अलग कर सकते हैं किसी भी दो लिक्विड को। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में बहुत बार आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, इसको आप लोग एक बार देख लो अच्छे से। फिर मैं इसी से रिलेटेड एक और चीज है, दूसरा सेपरेशन मेथड है, वो मैं बताता हूं आपको। हाँ जी, अब देखेंगे ये जो हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस किया, अब इसी से रिलेटेड एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब नया क्या आ गया हमारे पास, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यानी प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि ये क्या होता है? अब ये जो हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस किया ना, अब जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है ये सेम टू सेम डिस्टिलेशन प्रोसेस ही होता है, बस इसमें एक इंस्ट्रूमेंट एक्स्ट्रा लग जाता है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा के सही से बना देता हूं। डिस्टिलेशन प्रोसेस और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या फर्क होता है कि ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो ये देखें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो अब जो हम कर रहे हैं वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है, और इसमें क्या अलग है हमारे डिस्टिलेशन प्रोसेस से? डिस्टिलेशन प्रोसेस और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या फर्क है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस हम उन लिक्विड्स को अलग करने के लिए इस्तेमाल करते थे जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से ज्यादा का होता था, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस हम उन लिक्विड्स को अलग करने के लिए करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम का होता है। तो अब जो हमारे पास दो लिक्विड है ना, उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से कम का होता है। ठीक है, तो हम लेते हैं ऐसे कोई दो लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री केल्विन से कम होता है। तो हम ले लेते हैं मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड कैरोसिन। ठीक है, ये दो ऐसे लिक्विड है जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम का होता है। अब इनमें क्या होता है, मतलब अब इसमें फर्क क्या हो गया जो हमने अभी पिछला किया, क्या नाम है, डिस्टिलेशन प्रोसेस, और इसमें क्या फर्क है? इनमें बस यही फर्क है कि इसमें ना हमने जो भी चीजें इस्तेमाल करी उसमें एक और नया इंस्ट्रूमेंट जुड़ गया, और ये वो इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल कॉलम। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल कॉलम। ठीक है, एक नया हमारे इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट जुड़ जाता है जिसका नाम होता है फ्रैक्शनल कॉलम। और इसको हमने क्यों जोड़ा है, ये होता क्या है, ये एक आपका ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर छोटे छोटे ग्लास बिड्स हैं, या हम कह सकते हैं ग्लास मार्बल्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे ऐसे ग्लास के गोले हैं। ठीक है, अब हमने ये क्यों डाला है, मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस उन दो लिक्विड को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है
जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री केल्विन से या 25 डिग्री सेल्सियस से कम का होता है। तो अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम है, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो हो सकता है कि दोनों के दोनों लिक्विड इवेपोरेट होके ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे, ठीक है। और ऐसा होने पर जब दोनों के दोनों लिक्विड ऊपर जाएंगे तो अलग कैसे होंगे? फिर तो वो सारा का सारा लिक्विड यहीं आ जाएगा, तो हमने अलग कहाँ किया? इसलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक फ्रैक्शनल कॉलम लगा दिया। इसको लगाने से क्या होगा, अब देखो एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है। भले ही वो 25 केल्विन से कम का डिफरेंस है, पर डिफरेंस तो है ना वहां पे। तो होगा क्या, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना, उस जब वो इवेपोरेट होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और दूसरी तरफ जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया, मान लेते हैं, देखो ये एक्चुअल मैं नहीं ले रहा हूं, एक्चुअल डाटा मैं नहीं ले रहा हूं, एक्चुअल डाटा आप चाहें तो नेट से सर्च करके अपनी बुक में से देख के कर लेना कि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, कैरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। ये मैं एक्चुअल नहीं ले रहा, ध्यान रखना, कहीं आप बोलो कि आपने यहाँ पे कुछ और लिख दिया, हमारे को तो कुछ और बताया गया, ये एक्चुअल नहीं ले रहा मैं, मेरे को भी देखना पड़ेगा, फिलहाल हम उतना टाइम नहीं है। तो हम ऐसे मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस है इसका बॉइलिंग पॉइंट, और इसका मान लेते हैं 70 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, या 65 या 70, ठीक है चलो 25 से कम है। तो होगा क्या, या 65 भी मान लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है 25 केल्विन से कम है, तो होगा क्या, जब हम इनको गर्म करेंगे ना तो 50 डिग्री पे पहुंच के टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और पेट्रोल इवेपोरेट होने लग जाएगा, पर पेट्रोल के साथ साथ कैरोसिन भी इवेपोरेट होने लग जाएगा क्योंकि उसके भी बॉइलिंग पॉइंट के आसपास है। आपको ये बात पता है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचने से पहले भी जो है लिक्विड इवेपोरेट होने लग जाता है अपने आसपास की एनर्जी को लेके। तो ऐसा ही यहां पे भी होगा कि पेट्रोल के साथ साथ कैरोसिन भी इवेपोरेट होने लग जाएगा, ठीक है, और दोनों के दोनों इवेपोरेट होंगे। पर एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ना उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जब वो इवेपोरेट होंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है। और जब ये काइनेटिक एनर्जी एक की ज्यादा है और दूसरे की कम है, और ये ऊपर जाएंगे जाएंगे तो ये इन ग्लास बीड से या ग्लास मार्बल से टकराएंगे, ठीक है, ये जो बीच में हमने छोड़ रखे हैं इतने सारे मार्बल्स, इनसे टकराएंगे। टकराने से क्या होगा, इनकी एनर्जी कम होने लग जाएगी, एनर्जी क्या होने लग जाएगी, कम। अब भाई इसकी एनर्जी तो ज्यादा थी तो ये टकरा के आगे निकल जाएगा और ये इस तरफ पहुंच जाएगा, और यहां पे फिर वही हमने आउटलेट, कोल्ड वाटर आउटलेट दे रखा, ठंडा पानी बाहर से दे रखा है, तो जिसकी वजह से ठंडा होके वो इधर आ जाएगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था और काइनेटिक एनर्जी कम था, तो यहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी पहले से ही कम है, और जब ये टकराएगा इनसे तो टकराने से इनकी इसकी काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कम थी और टकराने से और कम हो गई, मतलब इसकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाएगी और ये वापस लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अरे जब लिक्विड की एनर्जी एकदम काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, वापस उसके इंटर पार्टिकल फोर्स वापस आ जाएंगे, यानी कि वो दोबारा पास पास आ जाएगा, और वो वापस गैस से क्या बन जाएगा, लिक्विड, और गैस से लिक्विड यहीं पे बन जाएगा और वापस ये इसी में गिर जाएगा। इस तरीके से हम दोनों लिक्विड को अलग कर पाएंगे। तो ये तरीका है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का, बिल्कुल वही चीज है, डिस्टिलेशन प्रोसेस और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा ये फ्रैक्शनल कॉलम नाम का हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि हम उन दो लिक्विड को अलग कर सके जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से, या हम कहें 25 केल्विन से कम है, ठीक है। आप यहां पे मैंने लिख दिया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड, बट द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड शुड बी लेस देन, इस बार मैंने लेस देन लिख दिया 25 केल्विन, ठीक है। इसमें आप एक और चीज लिख सकते हो, इन दिस प्रोसेस वी यूज एन एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड फ्रैक्शनल कॉलम, ठीक है ना, ये इसके बारे में लिख सकते हो आप कि हम फ्रैक्शनल कॉलम का इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपको जो मैं नोट्स दूंगा उसके अंदर लिखा होगा पूरा, फिलहाल आप इसको एक बार अच्छे से देख लो और इसे नोट कर लो, ठीक है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट, अब हम इसमें क्या समझेंगे,
हाउ कैन वी सेपरेट द गैसेस इन एयर. तो इसे नोट कर लीजिए आप. तो बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि हम हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, कि हम डिफरेंट गैसेस को यानी अलग अलग गैसेस को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं एयर से. एयर के अंदर जो अलग अलग गैसेस होती हैं, आपको पता है एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं. आप नाम बता सकते हैं मुझे गैसेस का? तो आप बोलेंगे नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और भी बहुत सारी गैसेस हमारे एयर के अंदर होती हैं. तो इन गैसेस को हम अलग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा गया है. ठीक है, पहली बात तो हम इन गैसेस को अलग करें क्यों? ये क्या एक साथ मिले हुए अच्छे नहीं लग रहे हमें? अरे आपके कमरे में अभी एयर है, तो हमें इसको अलग, इनके गैसेस को अलग करने की क्या जरूरत है? क्या ये अभी मिक्स फॉर्म में है तो क्या ये हमें कुछ दिक्कत दे रहे हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं दे रहे, हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो हम इन्हें अलग क्यों करें? तो इनको पहली बात तो अलग करने की जरूरत क्या है कि इनको अलग करने की जरूरत यह है कि ये जो डिफरेंट गैसेज है ना, अलग अलग गैसेज है, हमारे लाइफ में अलग अलग जगह पे काम आ सकते हैं. तो इसलिए हम इनको अलग करके इकट्ठा करते हैं ताकि हम इनको डिफरेंट चीजों में इस्तेमाल कर सके. जैसे जैसे आपको पता है कि हमारे एयर का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी कि एयर के अंदर सबसे ज्यादा जो गैस पाया जाता है, वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस. कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस. ठीक है, अब बोलोगे कि नाइट्रोजन गैस, अब मैं कहूंगा कि मुझे नाइट्रोजन गैस को एयर से अलग करना है. आप कहेंगे कि क्यों करना है, क्यों करें हम इसको अलग? तो मैं कहूंगा कि नाइट्रोजन गैस का हम बहुत जगह पे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मुझे नाइट्रोजन को अलग करना है एयर से. आप कहेंगे आप कहां पे इस्तेमाल करते हो नाइट्रोजन गैस का? तो मैं कहूंगा नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है. जो खेतों में फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं उनका इस्तेमाल, उसको बनाने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, दूसरी बात, आप लोग चिप्स खाते हैं, लेज, अंकल चिप्स, डोरिटोस, बहुत सारे आते हैं. ठीक है ना, आप देखते हैं उनके अंदर गैस भरी होती है. ठीक है, उसके अंदर क्या भरी होती है? गैस भरी होती है. आप कहते हैं कि हमें, कुछ लोग समझते हैं कि उन्हें पागल बनाया जा रहा है कि उसके अंदर चिप्स की जगह गैस भर के दे देते हैं और उसके पैसे ले लेते हैं. हमें देखने में लगता है कि पैकेट भरा हुआ है, पर पैकेट एक्चुअल में भरा हुआ नहीं होता, अंदर से थोड़े से चिप्स निकलते हैं, बाकी सब क्या निकलता है? गैस. तो क्या वो गैस क्या आपको पागल बनाने के लिए, उल्लू बनाने के लिए डाला जा रहा है? क्या लोगों को इतना पता नहीं चल पाता है कि हाँ भाई उसके अंदर गैस है? तो ये तो पता चल जाता है, फिर भी वो लोग गैस डाल के भेज रहे हैं. क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन सी गैस होती है? उसके अंदर भी नाइट्रोजन गैस होती है. एक्चुअल में चिप्स के पैकेट या और कोई भी खाने पीने की चीजें हो, उनके पैकेट्स में क्या होता है कि अगर उनके अंदर ऑक्सीजन गैस चली गई ना, तो वो खाने पीने की चीज खराब हो जाती है. ऑक्सीजन गैस जाने के बाद ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करता है खाने की चीज, और वो खराब हो जाता है, जिसके बारे में आप क्लास 10th में पढ़ेंगे. इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ने वाले क्लास 10th में, पर मैं आपको थोड़ी बहुत इतना बता देता हूं कि ऑक्सीजन गैस अगर उसके कॉन्टेक्ट में आ गया तो वो खाना, ये खाने की चीज खराब हो सकती है. इसलिए क्या किया जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि खाना खराब ना हो. तभी तो आप देखते हैं चिप्स के पैकेट 6-6 महीने तक उसी दुकान पर लटकते रहते हैं, फिर भी वो खराब नहीं होते. आप जब उनको क्या नाम है घर लाते हैं, जैसे उसका पैकेट खोलते हैं और खाते हैं, चाहे उसको 2 महीने हुए हो चिप्स को बने हुए, चाहे 4 महीने हो गए हो, टेस्ट आपको वैसे ही लगता है. ठीक है, पर मान लो अगर आपने चिप्स का पैकेट फाड़ दिया और आपने उसमें से 5-6 चिप्स खा लिए, उसके बाद आपको वो चिप्स नहीं खाने, थोड़े दिन मतलब मन नहीं कर रहा आपका, और आपने वो खुला पैकेट रख दिया और उसी पैकेट को आपने अगले दिन उठाया कि भाई हाँ चिप्स बचे होंगे कल के, चलो खाते हैं, और अगले दिन अगर आप उस चिप्स को खाते हैं तो आपको उसका टेस्ट बेकार लगता है. क्यों लगता है उसका टेस्ट बेकार? तो इसका कारण यही है कि जैसे ही आप उसमें उस पैकेट को फाड़ देते हैं, उसकी सारी नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और उसके अंदर कौन सी गैस घुस जाती है? ऑक्सीजन, यानी जो मिक्स एयर है घुस जाता है, और मिक्स एयर में ऑक्सीजन तो होता ही है. वो ऑक्सीजन जो होता है आपके चिप्स के साथ रिएक्शन करता है और उस खाने को क्या कर देता है? खराब कर देता है. इसीलिए
बाद में जब आप वो चिप्स का पैकेट खाते मतलब चिप्स खाते हैं पैकेट खोलने के बाद 1-2 दिन बाद, तो आपको उसका टेस्ट खराब लगने लगता है, जबकि वो 6 महीने से अगर दुकान पर टंगा हुआ है उसका टेस्ट वैसा का वैसा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस टाइम कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। और जैसे ही आपने उसको फाड़ा, ऑक्सीजन से कॉन्टेक्ट में आया, तो उसके 1 या 2 दिन बाद ही आपको वो खाने में बहुत खराब लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ नाइट्रोजन के यूज है, और भी बहुत जगह नाइट्रोजन का यूज होता है, ठीक है? इसके नाइट्रोजन का जैसे आप लोगों को बहुत सारी चीजों में होता है, कई ऑटोमोबाइल के टायर्स में डलते हैं नाइट्रोजन गैस, ठीक है? फिर अगला है, अगला हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन गैस की। ऑक्सीजन गैस की आपको पता ही है कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है भाई, ऑक्सीजन गैस का अलग से इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है? कई लोग आप देखते हैं कि हॉस्पिटल में जो होते हैं उनको ऑक्सीजन की अगर कमी होने लगती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उनको ऑक्सीजन दिया जाता है, उसमें इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल आपका बर्निंग में किया जाता है, ठीक है? और भी बहुत सारी जगह पे आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आते हैं, आप लोगों ने देखा है, स्कूबा डाइविंग करते हैं तो पीछे लटका के जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है? तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी बहुत जगह पे होता है। तीसरा और भी आप बहुत सारी जितनी भी गैसेज आप देखेंगे कि जितनी भी गैसेज है ना, आप उनका डिफरेंट जगह पे यूजेस देखेंगे, तो इसीलिए उनको हमें क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करने के लिए हम गैसेस को अलग करते हैं। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि गैसेस को अलग क्यों करते हैं, ठीक है? अब मैं बताता हूं आपको कि हम गैसेस को अलग कैसे करते हैं। तो भाई अभी अभी हमने पढ़ा कि किसके बारे में पढ़ा हमने अभी थोड़ी देर पहले, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में। तो मैं कहूंगा कि हम जो गैसेस, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, तो हम लिख सकते हैं वी कैन ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस हिंदी में प्रभाजी आसवन विधि। आपको हिंदी में लिखा है कि हम वायु से विभिन्न गैसों किस प्रकार अलग कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे हम वायु से विभिन्न गैसों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक है ना? किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं? तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। अब तो अब आप बोलोगे सर आप ये क्या बात कर रहे हो, कैसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से इसको अलग कर सकते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम होता है, ठीक है ना? कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस किसको अलग करने के लिए करते हैं? लिक्विड्स को अलग करने के लिए। पर यहां जो एयर है, एयर के अंदर जो गैसेज हैं वो क्या है? गैसेज है ना? जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ये सब क्या है? ये तो गैस है ना? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल तो हम लिक्विड को अलग करने के लिए कर रहे थे, पर ये तो गैस है, तो इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से किस तरीके से अलग कर सकते हैं? तो मेरे पास इसका जवाब ये है कि हम क्या करते हैं, लिक्विड को अलग करते हैं ना हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से, तो क्यों ना हम पहले अपनी एयर को लिक्विफाई कर लें। हम क्या कर सकते हैं? एयर को लिक्विफाई कर लेते हैं। एयर का क्या करते हैं हम कि टेम्परेचर को, एयर के टेम्परेचर को बहुत ही ज्यादा कम कर देते हैं, ठीक है? एयर के टेम्परेचर को बहुत ही कम कर देते हैं और उस पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है? एयर के टेम्परेचर को बहुत कम कर देते हैं और उसके प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से जो गैस है ना, एयर जो है जो गैसेस फॉर्म में है वो किस में आ जाता है? लिक्विड फॉर्म में। अरे ये चीज आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैटर का स्टेट कैसे चेंज होता है, तो मैंने बताया था बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर एंड इट्स प्रेशर, ठीक है? और उल्टा होता है, टेम्परेचर को घटाना पड़ता है और प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है? टेम्परेचर घटाओगे तो लिक्विड जो है, गैस जो है वो लिक्विड बन जाएगा, और उल्टा करेंगे प्रेशर को बढ़ाओगे तब ऐसा होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मान लो कोई पार्टिकल है, दूर दूर है, आपने क्या किया, प्रेशर लगा दिया इस पे, इसके ऊपर प्रेशर लगाया, इसको दबाया, दबाओगे, दबाने से क्या होगा, इसके जो पार्टिकल हैं वो पास पास आ जाएंगे, पार्टिकल पास पास आने की वजह से गैस किस में चेंज हो जाएगा,
लिक्विड में, समझ में आ रही बात? और ज्यादा प्रेशर डालोगे तो लिक्विड किस में चेंज जाएगा, सॉलिड में। ये सब बातें मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। टेम्परेचर जितना कम करोगे, अरे उतना ठंड लगेगी ना, और ठंडा होने से जब गैस ठंडी होती है तो क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। तो टेम्परेचर को बहुत कम करते हैं और प्रेशर को बहुत बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारी एयर होती है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। किस फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में। और जब एक बार ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है तो उसके बाद हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस लगा के हम एयर के गैसेस को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे फर्स्टली, फर्स्टली वी लिक्विफाई द एयर बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर ऑन एयर, ठीक है। कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, एयर को लिक्विफाई करते हैं, कैसे, हाई प्रेशर डाल के और लो टेम्परेचर डाल के, ठीक है। उसका टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं और प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे एयर जो होती है लिक्विफाई हो जाती है। और आफ्टर दैट वी अप्लाई, या वी आप लिखो ग्रेजुअली इंक्रीज द इट्स टेम्परेचर इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस टू सेपरेट द गैसेस, ठीक है। तो एक बार पहले हम टेम्परेचर को कम करके और प्रेशर को बढ़ा के गैस को क्या बना लेते हैं, लिक्विड। और उसके बाद हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और हल्का हल्का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि वो जो गैसेस हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या बन जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सॉरी, जो लिक्विड है वो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस पे। और हमें डिफरेंट मतलब उस पे टेम्परेचर पे उसको कलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको यहां पे एक टेबल बना रहा हूं, ये गैस का टेबल, गैस है और उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, इन डिग्री सेल्सियस लिख लेना ये भी, इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपके जो आपके एयर के अंदर तीन मेजर गैसेस पाई जाती है, सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन, एक है ऑक्सीजन, उसको मैं बाद में लिखता हूं, पहले मैं लिखता हूं आर्गन। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, फिर ऑक्सीजन और फिर आर्गन, ठीक है। और नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है माइनस का 196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना होता है, माइनस का 196 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है आर्गन, इसका होता है माइनस का 186 डिग्री सेल्सियस। और तीसरा होता है ऑक्सीजन, इसका होता है माइनस का 183 डिग्री सेल्सियस। इनके बीच में और भी बहुत सारी गैसेस के आते होंगे, पर हम हमें मेजर गैसेस के बारे में बात करनी है तो हम इन तीन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नाइट्रोजन का है, और हमारे सामने सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑक्सीजन का है। आप कहोगे सबसे ज्यादा कैसे है, ये तो 183 है, ये तो 196 है, पर मेरे बच्चों ये माइनस में है, किस में है, माइनस में। और माइनस में जो बड़ा दिखता है एक्चुअल में वो छोटा होता है, यानी कि ये टेम्परेचर कम है और ये टेम्परेचर ज्यादा है, ये बात याद रखना। तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए कि
अगर ये एमसीक्यू में आ जाए, देखो यही चीज एमसीक्यू में आ जाती है कि विच गैस हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और चार ऑप्शन दे रखे होंगे, तीन नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, और चौथा हो जाएगा नन ऑफ दीज, या ऐसा कुछ अलग से दे देगा। तो आपको निशान किस पे लगाना है? नाइट्रोजन पे, कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? नाइट्रोजन का। ठीक है, तो आपको चीजों रटना नहीं है, आपको चीजों को समझना है। याद रखना कि पेपर में ना ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा नहीं आता, घुमा फिरा के भी आता है। आपसे बोल देगा कि सबसे ज्यादा सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किस गैस का है, तो आप बताएंगे नाइट्रोजन का, या सबसे ज्यादा किसका है, तो आप बताएंगे ऑक्सीजन का। ठीक है, या आपसे बोलेंगे नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, चार ऑप्शन दे देंगे, इसमें से आपको माइनस का 196 पे टिक लगाना है, और ऑक्सीजन का बोलेंगे तो 183 पे टिक लगाना है, आर्गन का बोलेंगे तो 186 पे लगाना है। इन्हीं तीनों का पूछेंगे, इसके अलावा किसी का नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो मैंने यहां पे ना आपको ये एक टेबल बनाई है जिसके अंदर तीन गैसेज हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। ये इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, यानी इतने डिग्री सेल्सियस पे ये उबलने लगते हैं, और उबल के जैसे हमने कल समझा, सॉरी अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि ये बॉयल होते हैं, और बॉयल होने के बाद कैसे बनाया था हमने, मतलब कुछ ऐसे ही था ना, फ्रैक्शनल वाले में तो फ्रैक्शनल कॉलम भी बनाओगे। ठीक है, तो यहां पे तीनों का ये मान लो लिक्विफाइड गैस है, ये क्या है, लिक्विफाइड गैस, रफली बना रहा हूं मैं, कर लेना इसको सही। ठीक है, तो सबसे पहले आप टेम्परेचर देखो, आपने टेम्परेचर मान लो माइनस का 200, मान लेते हैं माइनस का आपने 250 डिग्री सेल्सियस कर रखा है। ठीक है, माइनस का 250 डिग्री सेल्सियस कर रखा है, उतना कम टेम्परेचर ले गए, उस पर क्या हो गया, सारी गैस जो है क्या बन जाएगी, लिक्विड, सारी गैस जो है यानी एयर की जो सारी गैस है वो लिक्विड बन जाएंगी। अब आप उनको गर्म करोगे, गर्म करोगे, गर्म करोगे, गर्म करोगे, तो माइनस 250 के बाद सबसे पहले टेम्परेचर क्या आएगा, माइनस का 196 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही माइनस का 196 डिग्री सेल्सियस आएगा, नाइट्रोजन गैस यहां से ऊपर जाएगी, नाइट्रोजन गैस ऊपर जाएगी और ऊपर जाके कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर आर्गन आता है, धीरे धीरे टेम्परेचर कहां पहुंचेगा, माइनस 186 डिग्री सेल्सियस पे। और वैसे भी आप देख सकते हो इनके बीच में ज्यादा गैप नहीं है, इनके बीच में 10 डिग्री का गैप है, इनके बीच में 3 डिग्री का गैप है। तो एक्चुअल में ना फ्रैक्शनल कॉलम जो होता है, एक्चुअल में जो फ्रैक्शनल कॉलम होता है, मैं इधर थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं फ्रैक्शनल कॉलम को, ये इसके नीचे का समझ लेना, वही आपका लगा हुआ है जिसके अंदर लिक्विड है। ठीक है, ये लिक्विड का मान लेना कि इसके अंदर लिक्विड है, मैं ऐसे रफली बना रहा हूं। ठीक है, फ्रैक्शनल कॉलम में ना सिर्फ एक ऐसे नहीं लगा होता पैसेज, बहुत सारे पैसेज लगे होते हैं, ऐसे पैसेज लगे होंगे हो सकता है। ठीक है, और इससे क्या होगा ना, जैसे आपको मैंने बताया कि क्या होता है, इसके अंदर ग्लास बीड्स ऐसे होते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे सबसे पहले माइनस 196 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा टेम्परेचर, तो नाइट्रोजन इवेपोरेट होके जा रहा है ऊपर। और मैंने कल बताया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई 196 पे ये तो हो रहा है, पर ये भी उसके आसपास है, 25 केल्विन से कम है, तो हो सकता है कि साथ ही साथ ये भी थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट होना शुरू कर दे, अपने आसपास के एनर्जी को लेके ये भी इवेपोरेट होना शुरू कर दे। तो ये भी इवेपोरेट होगा, पर इसकी एनर्जी थोड़ी कम होगी, आर्गन की एनर्जी नाइट्रोजन से कम होगी, तो नाइट्रोजन ज्यादा ऊपर तक जाएगा और आर्गन थोड़ा कम ऊपर तक जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो भी साथ ही साथ इवेपोरेट होगा, पर वो थोड़ा और कम ऊपर जाएगा। तो जो सबसे ज्यादा ऊपर जाएगा नाइट्रोजन, वो सबसे ऊपर वाले से कलेक्ट हो जाएगा, जो थोड़ा कम जाएगा वो बीच वाले में से कलेक्ट हो जाएगा, और जो सबसे कम जाएगा वो सबसे नीचे वाले में से कलेक्ट हो जाएगा। यानी सबसे ऊपर से आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन, बीच में क्या मिलेगा, आर्गन, और नीचे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। तो फ्रैक्शनल कॉलम के अलग अलग हिस्सों में आपको ये गैसेज, अलग अलग गैसेज मिल सकते हैं। इस तरीके से हम गैसेज को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है, ये लिखा है कुछ, ठीक है, इसको भी लिख लो, बाकी नोट्स में तो लिखा हुआ है ही, वो भी आपको देख लेना है एक बार, इसको लिख लो, मैं हिंदी में भी बता देता हूँ इसमें क्या लिखना है। ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो आप लोग।
इंग्लिश मीडियम वालों ने लिख लिया होगा। अब मैं एक बार हिंदी मीडियम वालों को बोल दे रहा हूँ, ये वो भी नोट कर लें, ठीक है, कैसे लिखना है ये, क्या लिखना है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, कि हम हिंदी में लिखेंगे हम वायु से विभिन्न गैसों को किस प्रकार अलग कर सकते हैं, हम वायु से विभिन्न गैसों को किस प्रकार अलग कर सकते हैं। ये लिखने के बाद आपको आंसर में लिखना है कि हम वायु से विभिन्न गैसों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। हम वायु से गैसों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। उसके बाद इसका इसमें लिखना है कि हाँ, सर्वप्रथम हम वायु पर अत्यधिक दाब तथा निम्नतम तापमान लगाकर वायु को गैसीय रूप से द्रव रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। क्या लिखना है? सर्वप्रथम हम वायु पर अत्यधिक दाब तथा निम्नतम तापमान लगाकर वायु को गैसीय रूप से द्रव रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। फिर लिखना है, द्रव में परिवर्तन होने के बाद हम प्रभाजी आसवन विधि में द्रव में परिवर्तन होने के बाद हम वायु को प्रभाजी आसवन विधि में धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ाते हैं, धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ाते हैं, जिसमें विभिन्न गैसों का क्वथनांक भिन्न होता है, विभिन्न गैसों का क्वथनांक भिन्न होता है, तथा अपने अलग अलग क्वथनांक पर सभी गैस वाष्पीकृत होकर अपने अलग अलग क्वथनांक पर सभी गैस वाष्पीकृत होकर विभिन्न प्रभाजी कॉलम के विभिन्न ऊंचाइयों पर एकत्रित कर ली जाती हैं। प्रभाजी कॉलम के विभिन्न ऊंचाइयों पर एकत्रित कर ली जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है। इंग्लिश में भी इसमें मैं एक लाइन और ऐड कर रहा हूं, तो ये भी लिख लेना, और बाकी ये टेबल बना लेना, ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में भी आ सकता है, बाकी ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमने लिखा, आफ्टर दैट वी ग्रेजुअली इंक्रीज द इट्स टेम्परेचर इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस टू सेपरेट द गैसेस। तो लिखना आगे, द डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। या डिफरेंट गैसेस आगे लिखना, बॉइल एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, सो सो द डिफरेंट गैसेस आर कलेक्टेड एट डिफरेंट हाइट ऑफ फ्रैक्शनल कॉलम, ठीक है। तो जब हम बॉइल करते हैं तो डिफरेंट गैसेस जो हैं, जैसे मैंने बताया आपको, नाइट्रोजन सबसे पहले ही इवेपोरेट होगा, फिर आर्गन होगा, फिर ऑक्सीजन होगा। तो ये जब फ्रैक्शनल कॉलम में जाएंगे तो सबसे ऊपर तक कौन जा पाएगा? नाइट्रोजन। फिर कौन जा पाएगा? ऑक्सीजन, आर्गन। और फिर कौन जा पाएगा? ऑक्सीजन। तो अलग अलग हाइट पे हम उनको अलग अलग कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये लिख लो आप लोग, इसको नोट कर लो अच्छे से, और ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है।
इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि हाउ कैन वी प्योरीफाई वाटर। तो बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है बुक में वो भी एक क्वेश्चन फॉर्म में लिखा हुआ है, और लिखा है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, कि किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, कॉपर सल्फेट क्या होता है? कॉपर सल्फेट एक केमिकल होता है जो कि आपको आपके केमिकल लैब में, स्कूल के केमिकल लैब में मिल जाएगा, ठीक है? और आप देखेंगे वो ब्लू कलर का होता है, और एक्चुअल में वो किसका बना होता है? कॉपर का, ठीक है? कॉपर से बना होता है, कॉपर सल्फेट। और इसमें हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास उसका इम्प्योर सैंपल है, ठीक है, इम्प्योर फॉर्म में है, उसके अंदर कुछ मिलावट है, कुछ गंदगी है, या कुछ दूसरे डिफरेंट चीज मिली हुई है, उससे हमें प्योर कॉपर सल्फेट को अलग करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इम्प्योर कॉपर सल्फेट में से हमें प्योर कॉपर सल्फेट अलग करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो इसमें बेसिकली कौन से हमें मेथड के बारे में पूछा गया है? इसके अंदर हमसे पूछा गया है क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में पूछा गया है? क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। आप लिखेंगे वी कैन ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो हम किस प्रोसेस से इसको अलग कर सकते हैं? तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण तकनीक। ठीक है, क्रिस्टलीकरण तकनीक या प्रक्रिया। ठीक है, तो आप हिंदी में क्या लिखेंगे? किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को क्रिस्टलीकरण तकनीक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे की जगह क्या लिखेंगे? क्रिस्टलीकरण तकनीक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? हिंदी वाले भी लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने बात करी कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस या क्रिस्टलीकरण तकनीक, अब ये होता क्या है? हमने लिख तो दिया कि हम इससे अलग कर सकते हैं, पर ये होता क्या है? ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमें, हमारे पास जो इम्प्योर सैंपल है, किस चीज का इम्प्योर सैंपल है? हमारे पास है कॉपर सल्फेट का इम्प्योर सैंपल। कॉपर सल्फेट का इम्प्योर सैंपल हम हमें लेना है और इसमें डाल देना है। ठीक है, हमें इसके अंदर कॉपर सल्फेट डाल देना है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास कॉपर सल्फेट। ठीक है, एक सेकेंड, ये हमारे पास है कॉपर सल्फेट। मैंने नीले पेन से लिखा है, और एक्चुअल में ये कॉपर सल्फेट जो होता है वो भी नीला ही होता है। जब आप ये इसके अंदर मिला देंगे ना, तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट, ये भी आपका एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन है, जो आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं। तो भाई कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? ब्लू। आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? कॉपर सल्फेट जो कि इम्प्योर है, कैसा है ये? इम्प्योर। इसके आगे चाहे तो आप लिख सकते हैं, ये फिलहाल कैसा है? इम्प्योर। जब आपने इसके अंदर मिला दिया, चलो एक काम करते हैं, पहले हम ना इसके अंदर मिलाते हैं। इसको मैं अभी कलर नहीं कर रहा, मैं इसको मिटा देता हूं। फिलहाल मेरे पास ये वाटर है, ये मैंने नहीं मिलाया फिलहाल। समझ लेते हैं पहले, इसको हम क्या मान लेते हैं? वाटर। जब आपने मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद ये इसका कलर हम कैसा कर देते हैं? अब कर देते हैं हम इसको ब्लू। और हम इसको लिख देते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन।
कॉपर सल्फेट की अगर आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो CuSO4 होती है। अच्छा, केमिकल इक्वेशन क्या होता है भाई, ये भी आप अपने सेकेंड टर्म में सीखेंगे। फिलहाल मैंने, जैसे आप वाटर को H2O लिखते हैं ना, वाटर को लिखते हैं H2O, पता होगा आप लोगों को इतना, तो वैसे ही कॉपर सल्फेट को लिखा जाता है CuSO4। ये भी आपके MCQ में पूछा जा सकता है, उसके लिए मैंने बता दिया क्यों लिखा जाता है CuSO4, कैसे लिखा जाता है। ये सारी चीजें जो हैं हमारे नेक्स्ट टर्म में, यानी कि सेकेंड टर्म में इस्तेमाल होती हैं, जो कि आपके चैप्टर नंबर 3 और 3 से रिलेटेड है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये उसका सॉल्यूशन हो गया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो उसका सॉल्यूशन बनाने के बाद क्या करेंगे हम, इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म। अब मैं इसको हीट करूंगा, हीट करते रहेंगे, हीट करते रहेंगे, हीट करेंगे, हीट करेंगे, तो वाटर जो है इसमें से इवेपोरेट होने लग जाएगा। वाटर क्या होने लग जाएगा? इवेपोरेट। ठीक है, अब आप इसमें मुझसे ये बोलेंगे कि सर आप नया क्या कर रहे हो? कुछ भी नया नहीं कर रहे हो, ये मेथड तो अभी हमने सीखा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, या हमने कल सीखा था ये वाला मेथड? हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? हमने सीखा था कि हम डाई जो होती है, ब्लैक कलर की जो इंक की डाई होती है, उसमें से हम कलर कंपोनेंट्स, हम इसको अलग कैसे करते हैं? तो मैंने आपको बताया था हम उसको इवेपोरेशन मेथड से अलग करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको इवेपोरेट करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे कि सारा का सारा वाटर इवेपोरेट हो जाता है और नीचे क्या बच जाता है? इंक बच जाता है। अब आप कह रहे हो हम यहां भी गर्म कर रहे हैं और यहां इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट होने के बाद वो बच जाएगा कॉपर सल्फेट, तो वो भी तो, ये तो इवेपोरेशन मेथड हो गया, तो क्रिस्टलाइजेशन का हम नाम क्यों ले रहे हैं, हम इसका इवेपोरेशन नाम क्यों नहीं ले रहे? पर मैंने अभी पूरी बात आपको बताई नहीं है। ठीक है, मैंने आपको ये जरूर बोला है कि गर्म हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, पर मैंने अभी तक आपको पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि ये इवेपोरेशन मेथड है ही नहीं। ठीक है, और यही आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि हाउ क्रिस्टलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन आपस में अलग अलग कैसे हैं, इस बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखो होता क्या है कि जो इवेपोरेशन मेथड होता है उसमें हम सारा का सारा जो वाटर होता है वो इवेपोरेट कर देते हैं, जब तक कि सारा का सारा वाटर इवेपोरेट नहीं हो जाता है, वो इवेपोरेट होके जो हमारा सॉलिड है वो सूख जाता है पूरी तरह से, सॉलिड फॉर्म बचता है, तब तक हम उसको इवेपोरेट करते हैं। तो इवेपोरेशन में हम पूरे लिक्विड को इवेपोरेट करते हैं, पर क्रिस्टलाइजेशन में हम पूरे लिक्विड को इवेपोरेट नहीं करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? इसमें हम क्या करते हैं, हम इसको गर्म करते हैं, गर्म कर करके, जैसे फिलहाल ये एक अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? अनसेचुरेटेड। मैंने आपको बता रखा है अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड के बारे में सब बता रखा है। तो अभी हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो ये एक पहले अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है। हम इसको गर्म करेंगे, कितना गर्म करेंगे? हम इसको इतना गर्म करेंगे कि ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। कैसा बन जाए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, मतलब सैचुरेटेड बनने का मतलब है कि इसका बहुत सारा पानी इवेपोरेट हो जाए। बहुत सारा पानी इवेपोरेट होने के बाद क्या होगा कि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, पानी रहेगा, सारा पानी इवेपोरेट नहीं कर रहे, थोड़ा मतलब इतना कर रहे हैं कि इससे, जिससे क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, लिक्विड कम हो जाता है, सॉलिड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लिक्विड जो सॉलिड है उसके क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं। क्या बनने लग जाते हैं? क्रिस्टल्स, दाने दाने। आपको जब देखेंगे ना, जब आप खुद करेंगे प्रैक्टिकल, तो आपको इतना गर्म करना है इसको ताकि इसके दाने बनने लग जाए, दाने दाने बनने लग जाए। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जब इसमें दाने बनने लग जाएंगे, यानी कि जो इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने लगेगा, तब आप इसको ठंडा करें, उसको आप हीट करना बंद कर देंगे और उसको ठंडा करेंगे। तो ठंडा करने के बाद क्या होगा कि होगा क्या कि इसके सिर्फ क्रिस्टल्स जो होंगे ना, वो जो प्योर क्रिस्टल्स होंगे वो नीचे बैठेंगे। अच्छा, मैंने शुरू में एक आपको बात नहीं बताई कि जैसे मान लो हमने यहां पे कॉपर सल्फेट इसमें मिलाया, हमने वाटर के अंदर क्या मिलाया, इम्प्योर कॉपर सल्फेट। ठीक है, इम्प्योर कॉपर सल्फेट मिलाने के बाद, बनाने के बाद इसमें आपने डाला और घोल दिया, घोलने से क्या होगा, इसके अंदर मिक्स हो गया। अब हम जब इसको गर्म करने ना, गर्म करने से पहले एक बार फिल्टर कर लेंगे, ये बात मैंने आपको बताई नहीं, सॉरी, अब मैं बता रहा हूं कि इसको एक बार हम फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर क्यों करेंगे? ताकि जो ऐसी इंप्योरिटी है जो फिल्ट्रेशन से अलग हो सकती है वो अलग हो जाए। ठीक है, जो जो भी इंप्योरिटी फिल्ट्रेशन मेथड से अलग हो सकती है उसको अलग करने के लिए हम एक बार इसको फिल्टर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम गर्म करेंगे ना, तो फिर वही प्रोसेस, गर्म कर रहे हैं,
इतना गर्म कर रहे हैं जितने में सैचुरेटेड बन जाए, यानी कि पानी की मात्रा कम हो जाए, जिससे क्या होगा दाने दाने बनने लगेंगे, यानी कि इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो चिपकने लगेंगे आपस में, और उससे क्या बन जाएंगे क्रिस्टल्स। जब आप इसको फिर ठंडा करने के लिए छोड़ दोगे तो इसके बॉटम में क्या होगा, सिर्फ क्रिस्टल्स जो होंगे, प्योर क्रिस्टल्स, प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स नीचे आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स नीचे आपको बैठे हुए दिखाई देंगे और ऊपर कुछ लिक्विड बचेगा भी, और लिक्विड जो होगा बाकी जो इम्प्योरिटी जो फिल्ट्रेशन से अलग नहीं हो पाई थी वो उस लिक्विड में आपको दिखाई देगी, ठीक है, वो उसके अंदर रह जाएगी। बाकी जो नीचे बैठा हुआ होगा वो प्योर क्रिस्टल्स होंगे। कैसे होंगे? प्योर क्रिस्टल्स। और फिर हम इसमें से वाटर को अलग करके, मतलब पानी को छान के जो नीचे का बचा हुआ क्रिस्टल्स हैं उनको हम अलग कर सकते हैं, और इस तरीके से हम इम्प्योर सैंपल्स से प्योर कॉपर सल्फेट को अलग कर लेते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो इस तरीके से हम इम्प्योर सैंपल से प्योर सैंपल बना सकते हैं, ठीक है। और ये हम सिर्फ कॉपर सल्फेट के साथ ही नहीं, बहुत सारे जितने भी हमारे पास सॉल्यूट है सबके साथ कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको देख लो, समझ लो, फिर मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत और बातें बताता हूं। तो बच्चों, आपके एग्जाम में ये बात आपसे पूछ ली जाती है कि इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन में क्या फर्क है। तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि क्या होता है इनके बीच में डिफरेंस, इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन के बीच में, कि इसमें इवेपोरेशन में हम क्या करते हैं कि द होल सॉल्वेंट इज इवेपोरेटेड, इसमें सारा का सारा सॉल्वेंट जो है इवेपोरेट कर दिया जाता है, और इसमें द होल सॉल्वेंट इज नॉट इवेपोरेटेड, इसमें सारा का सारा सॉल्वेंट इवेपोरेट नहीं किया जाता, इसमें इसमें क्या होता है कि वी कैन डिजॉल्व सॉल्यूट इन एनी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें लिखना है वी एड सॉल्यूट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट। होता क्या है ना कि भाई इसमें ना ये जो इवेपोरेशन होता है इसमें आप कितना भी लिक्विड ले सकते हो, कितने भी मतलब वो सॉल्वेंट ले सकते हो। अगर आपको वाटर में से आपने वाटर के अंदर नमक मिला दिया यानी कि सॉल्ट मिला दिया और आपको उनको अलग करना है बाय इवेपोरेशन, अगर आप इवेपोरेशन से अलग करना चाहते हो तो आप कितना मर्जी पानी मिलाओ कोई दिक्कत नहीं है, और सारा का बस आपको करना क्या है, सारा का सारा वाटर जो है आपको इवेपोरेट कर देना है, ठीक है। उसको गर्म करके छोड़ दो, जितनी देर में वो गर्म होकर सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो जाए तब तक आपको उसको गर्म करना है, ठीक है। बट अगर आपको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से सॉल्ट अलग करना है बाय फ्रॉम वाटर, कि आपने पानी के अंदर नमक मिलाया और आपको नमक के क्रिस्टल्स चाहिए, आपको सॉल्ट क्रिस्टल्स चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ज्यादा उसमें सॉल्वेंट नहीं ले सकते यानी वाटर आप ज्यादा नहीं ले सकते, आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में उसको डिजोल्व करना पड़ेगा, बहुत कम पानी में आपको नमक डिजोल्व करना पड़ेगा, जितना कम से कम हो सके उतना, क्योंकि आपको करना क्या है बहुत कम पानी में उसको डिजोल्व करना है और उसको सैचुरेटेड लेवल तक ले जाना है थोड़ा सा ही, और गर्म भी हम बहुत देर तक नहीं करते इसमें, ठीक है। इसमें हम बहुत देर तक गर्म नहीं करते, थोड़ी देर के लिए गर्म करते हैं इतने में कि जितने में वो सॉल्वेंट मतलब जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो जाए, इसलिए हम ज्यादा पानी इसमें मिलाते ही नहीं है, बहुत कम पानी मिलाते हैं ताकि जल्दी सैचुरेटेड हो जाए और फिर हम ठंडा करें और क्रिस्टल्स हमारे तैयार हो जाए, और इसके अंदर हम जितना मर्जी सॉल्वेंट मिला सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि सॉल्यूट कैन बी डीकम्पोज्ड, और इसमें सॉल्यूट
कैन नॉट बी डीकंपोज्ड। इवेपोरेशन में क्या होता है ना कि आप बहुत देर तक गर्म करते हैं किसी भी सॉल्यूट को, सॉल्यूशन को, बहुत देर तक सॉल्यूशन को गर्म करने की वजह से क्या होता है कि वो कई बार डीकम्पोज हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है, जो हमें चाहिए होता है ज्यादा हीट करने की वजह से वो खराब हो जाता है, पर क्रिस्टलाइजेशन में वो डीकम्पोज नहीं होता। फिर चौथी बात, वी कैन नॉट ऑब्टेन प्योर सॉल्यूट, ठीक है, और इसमें वी कैन ऑब्टेन प्योर सॉल्यूट। हाँ भाई, इसमें आप इम्प्योर से प्योर नहीं बना सकते, आप इसमें आप इम्प्योर से प्योर बना सकते हैं। अरे इवेपोरेशन में आप इम्प्योर से प्योर नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? आपने मान लो पानी के अंदर इम्प्योर नमक डाला और आपने उसको इवेपोरेट किया और पूरा का पूरा वाटर आपने इवेपोरेट कर दिया, पूरा का पूरा वाटर जब आप इवेपोरेट कर दोगे तो इम्प्योरिटी तो उस नमक में रह ही गई ना, आपने उसमें से ना उसको फिल्टर किया, अगर ना उसको आपने क्या नाम है क्रिस्टलाइजेशन, उसके क्रिस्टल्स बने, सारा का सारा आपने वाटर इवेपोरेट कर दिया, तो वो इम्प्योरिटी उसी नमक के अंदर रह जाएगी। पर अगर आप क्रिस्टलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इम्प्योरिटी आपको नहीं मिलती, आपको उसमें प्योर क्रिस्टल्स मिलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ डिफरेंस है बिटवीन इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। हिंदी में लिखेंगे वाष्पन और क्रिस्टलीकरण, मैं बोल देता हूं एक बार, आप नोट कर लो हिंदी मीडियम वाले, जैसा कि लिखा है द होल सॉल्वेंट इज इवेपोरेटेड, इसमें लिखना है सारा का सारा विलयन, सारा विलयन वाष्पीकृत कर दिया जाता है, किया जाता है, सारा विलयन वाष्पीकृत किया जाता है, इसमें लिखना है सारा विलयन वाष्पीकृत नहीं किया जाता। इसमें आप लिखेंगे हम विलय को कितने भी विलायक में घोल सकते हैं, कितनी भी विलायक की मात्रा में घोल सकते हैं, हम विलय को कितने भी विलायक के मात्रा में घोल सकते हैं। फिर इसमें लिखना है इसमें हम विलय को निम्नतम विलायक की मात्रा में घोलते हैं, इसमें कितने भी मात्रा में घोलते हैं और इसमें निम्नतम मात्रा में घोलते हैं, ठीक है। इसमें लिखना है सॉल्यूट कैन बी डीकम्पोज, यानी इसमें लिखना है विलय अपघटित हो सकता है, इसमें लिखना है विलय अपघटित नहीं हो सकता, ठीक है, विलय अपघटित हो सकता है, विलय अपघटित नहीं हो सकता। इसमें लिखेंगे हम इसमें शुद्ध विलय प्राप्त नहीं कर सकते, और इसमें हम इसमें शुद्ध विलय प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, हम इसमें शुद्ध विलय प्राप्त नहीं कर सकते, और इसमें लिखना हम इसमें शुद्ध विलय प्राप्त कर सकते हैं, तो ये इसमें आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, आज के लिए आज हम इतना ही रखते हैं। अब हमारा एक छोटा सा सेपरेशन का टॉपिक और बचा है जिसमें हमें प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद हमें पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एंड हमें पढ़ना है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में, यानी कि प्योर सब्सटेंस एलिमेंट के बारे में और कंपाउंड के बारे में, ठीक है। अब इतना सा बचा है जिसे हम नेक्स्ट को क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे, हो जाता तो ठीक है, वरना एक क्लास और लगेगी और हमारा उसके बाद हम आगे देखेंगे एक्सरसाइज के को, ठीक है। तो इतना आज आप रिवाइज कर लेना, इसके आगे जो है अब हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।